आशिया शर्मा है, मैं 10 साल की हूँ और मैं जम्मू में रहती हूँ। मेरे घर में टोटल 14 मेंबर्स हैं, लेकिन उनमें से मेरी बीएफएफ सिर्फ एक ही है, जो कि मेरी दादी हैं। गुड्डू तो मुझे बहुत सिखा दिया, बीएफएफ बोलती है तो मैं बोलती हूँ वो क्या होता है, तो बोलती है ये आप बोलो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बोलती दादी नया जमाना है। गुड्डू इधर से वीडियो बनाते हैं। नहीं दादी आप फोन को उधर ही रहने दीजिए। दादीमा और अर्शिया के बीच में जो रिलेशन है वो मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है। हम अर्शिया को डांट नहीं सकते हैं, अगर हम अर्शिया को किसी बात पे डांटते हैं ना वो रोती है, और दादी को अगर नीचे आवाज चली जाती है ना उसके रोने की, दादी फट से ऊपर आ जाती है। दादी ने 2-3 छड़ी रखी है, वो कभी कभी छड़ी भी पड़ जाती है। मेरी दादी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। गुड्डू मुंबई आ रही है सुपर डांस के लिए, मुझे लगता है कि गुड्डू बहुत आगे जाएगी। मेरे लिए तुम काफी हो। नमस्ते अनुराग दादा, नमस्ते शिल्पा मैम, नमस्ते गीता मैम। नमस्ते बेटा। मेरा नाम अर्शिया शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से, और मैं यहाँ आने से पहले वैष्णो देवी गई थी जो कि जम्मू का फेमस मंदिर है, तो मैं आप तीनों के लिए प्रसाद लाई हूँ। ये वैष्णो देवी का प्रसाद एकदम आप यहाँ पे दें। ओके। यहाँ पे रख दे बेटा। पूरे सेट में बांट। थैंक यू बेटा। पहले बेटा डांस देख ले। हाँ। तुम रेडी हो? यस। ठीक है। इतना खूबसूरती से किया और आप बहुत टैलेंटेड हो बेटा, सुपर मूव तो भरे हुए थे आप में।
सोल होता है ना जो गाने के साथ, वो जो सोल होता है, हार्ट बीट होता है, वो सब आप में था। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू, यू आर अ बॉर्न डांसर और आप बहुत आगे तक जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। सब पक्का। अर्शिया आपका परफॉर्मेंस, इट लुक्ड ब्लेस्ड। आपने जितने मूव्स किए वो बहुत क्लीन थे। आपके टार्सल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं जब आप अपने टार्सल पे खड़ी थी और आप चली उसके ऊपर। कोर स्ट्रेंथ कितना अच्छा है आपका। आप बेली पे ऐसे फ्लैट थे और फिर आपने पैर अपने ऊपर से लेके आप गोल गोल घूमे। बट मोस्ट यूनिक वॉज जब वो बैक बेंड करती है बेजुबान के टाइम पे और शिफ्ट करती है अपने पैरों के साथ। आप फ्लेक्सिबल तो हो ही। थैंक यू मैम। आप स्ट्रॉन्ग भी हो और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको मौका मिल रहा है आगे जाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बाप रे क्या क्या किया है इसने, ऐसा कंटोर्ट करके क्या। थैंक यू मैम। मैम आप तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। नहीं बेटा आप बहुत दूर है, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। मैम आपको आता था तभी आप इतने बड़े मुकाम पे हो। तो इमेजिन आप कहाँ पे पहुँचने वाली हैं। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। अर्शिया आपके साथ कोई आया है। मेरे साथ मेरी BFF आई है। BFF क्या होता है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मेरी दादी मेरी BFF है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप। बस ठीक। आप BFF है इनकी। हाँ। बेस्ट फ्रेंड हो आप। बहुत अच्छा। हाँ बहुत। ये आपको BFF क्यों बोलती है। ये रहती मेरे पास ज्यादा, मेरे साथ ही रहती है। तो हमारे घर में 14 मेंबर है। अच्छा। लेकिन बच्चे नौकरी सारे चले जाते हैं, बच्चों जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई करने जाते हैं। मेरे बच्चे जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन सारे अपने अपने काम में बिजी हैं, तो उनको मेरे पास बैठने का टाइम नहीं होता, तो मैं उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं कर सकती। गुड्डू के पैदा होने से थोड़ी देर पहले गुड्डू के दादाजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। जब गुड्डू के दादाजी बीमार हैं तो बहुत ही अकेलापन होता था, क्योंकि वो चुप ही रहते, अंदर ही रहते, बोलते चलते नहीं, बाकी सारे चले जाते। गुड्डू के पैदा होने से मुझे ये हुआ कि मेरे को एक साथी मिल गया। गुड्डू भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं कभी बोलूँ ना गुड्डू मेरे को आज सिर को दर्द है, कुछ नहीं होता, मैं लेटती हूँ, तो फिर आस्ता आस्ता पोले पोले हाथों से मेरा सिर दबाती है, टांगे दबाती है। गुड्डू जब मेरे साथ होती है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा कैसे टाइम पास हो गया, मेरा अंदर का बच्चा जो जाग जाता है। मैं तो यही सोचती थी कि गुड्डू बड़ी थी, अगर बड़ी हो गई तो फिर मेरा साथी छूट जाएगा। आप बड़ी प्यारी हैं, आप कभी अकेली नहीं रहेंगी, कभी भी नहीं। कहते हैं सेवा का फल बहुत मीठा होता है, और देखो शायद उसी सेवा का आज फल, ये शुरुआत है आपके फलों की। थैंक यू मैम। आप जैसे बच्चे कम हैं, जो दादा दादी नाना नानी की सेवा करने वाले बच्चे कम हैं। बहुत कम बच्चे किस्मत वाले हैं जो दादा दादी के साथ रहते हैं। बिल्कुल। और बॉम्बे में जितने ओल्ड एज होम है ना, भर गए हैं बेटा, सारे दादा दादी तो वहां पे हैं। तो आप कितनी किस्मत वाली हो। ये। और आप भी। हाँ होता है। देखो हर पोती के लिए ना, हर पोती के लिए उसकी दादी उसकी फर्स्ट फ्रेंड होती है, और हर दादी के लिए उसकी पोती उसकी लास्ट फ्रेंड होती है। मैं बोलती थी मैंने एक फिल्म देखी थी, उनके मम्मी देखी थी पहले, उसमें इन्होंने यमराज का रोल भी किया हुआ था, बहुत अच्छा। यमराज का रोल। वो
यमराज ही थे, मैं नहीं था। और इनके मैंने एक गाना भी देखा था, बेटा जी बेटा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं बोलती थी इसको, बोलती सुनाओगे? मैंने बोला आता जानी, चलो दो तीन स्टेप कर दूंगी, उनके साथ ही करूंगी। वो भी मेरे बेटे और बेटी है मेरी दोनों। चलो आइए दादी, आइए आइए। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अगले सुपर डांसर